सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आप लोग के राधन सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 151 से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 150 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ऑलरेडी पढ़ लिया है तीन पार्ट में। तीनों के तीनों पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। पवन सीरीज भी पढ़ा दिया है और आप लोगों के अतलग उतली क्वेश्चन को भी पढ़ा दिया है। आप सारे के सारे वीडियोज को देख सकते हैं, हर एक विषय को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। बाल विकास का प्रमुख आधार है वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त आवाबा दोनों या कोई नहीं। तो बाल विकास का प्रमुख आधार क्या है? बाल विकास का प्रमुख आधार, बाल विकास यानी कि बालक का जो विकास होता है उसमें कौन कौन से आधार होते हैं? तो वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि बच्चे के जो माता पिता के गुण होते हैं वो भी उसके अंदर आते हैं और जब वह जिस वातावरण में बड़ा हो रहा है उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो ऑप्शन 7 जो है आवाबा दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण होते हैं। यह कथन किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का, फ्रायड का, जोनस का या पियाजे का? तो यह कथन है रूथ बेनेडिक्ट का और ये कई बार इसी वीडियोस में आपने देखा है, इन्हीं क्वेश्चंस में जो मैं पढ़ा रही हूँ उन्हीं में आपने देखा है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 153 है बाल विकास की अवस्थाएं होती है। तो बालक के विकास की मुख्यतः तीन अवस्थाएं मानी गई है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ऑप्शन 10 जो है उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 154 पर आते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं या स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वे अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं यानी कि कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो खुद से लेते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 पर आते हैं। RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था। और आरटी एक्ट 2009 में क्या बात कही गई है? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना क्या है? हर एक बच्चे का 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बालक है सभी को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? स्व अधिगम, सामग्री अधिगम, परीक्षण करके सीखना या तथ्यात्मक अधिगम? तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 7, परीक्षण करके सीखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 157 है। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, याद रखिएगा। ऑप्शन 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 158 है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, कब बन जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में या किशोरावस्था में? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 159 है। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है, यहाँ पे शिक्षक की जगह शिक्षण कर लीजिए। तो कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित होता है पुनर्वलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिगत विभिन्नताएं या शिक्षार्थी स्वायत्तता। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। जब कक्षा 3 पास करके कक्षा 4 में बच्चा जाता है तो बच्चे को जो कक्षा 3 में चीजें पढ़ाई गई हैं उन्हीं ज्ञान को जोड़ करके टीचर अगले कक्षा में वो बच्चे को पढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं जो ज्ञान होता है उसका आपस में क्या होता है? सहसंबंध होता है। तो इस तरीके से बच्चे सीखते जाते हैं और अगली कक्षा में पहुंचते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या वॉटसन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वाइगोत्स्की। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और वाइगोत्स्की ने सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है और जीन पियाजे ने तो आपको पता ही है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं और वॉटसन ने संवेग बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो अभी आपने देखा जीन पियाजे से ही है, जीन पियाजे ने संवेगात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है बच्चों के और इसमें ये पहली अवस्था होती है जो की जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये
राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 162 है, वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? तो वस्तु अस्थायित्व का ज्ञान आपको पता ही है कि अगर आपने कोई खिलौना बच्चे का छिपा दिया है तो अगर उस बच्चे के अंदर वस्तुओं को खोजने का गुण है या धीरे धीरे वह बड़ा हो रहा है तो वह खोज लेता है उन खिलौनों को, तो इस तरीके से बच्चे को धीरे धीरे वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, तो इसका संबंध किससे है? जीन पियाजे से। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है, सूज का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको पता ही है, कोहलर ने दिया है। कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था? बनवानुस पर। बनवानुस का नाम क्या था? सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 164 है, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है? आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, तो राइट आंसर क्या है? रूथ बेनेडिक्ट। क्वेश्चन नंबर 165 है, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? थॉर्नडाइक, हरलॉक, फ्रॉबेल या जॉन ड्यूबी? तो राइट आंसर है हरलॉक, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? किंग एवं थॉर्नडाइक, स्किनर, नन या अरस्तु? तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर अ, किंग एवं थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 167 है, अधिक तनाव का काल है, अधिक तनाव का काल कौन सा होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो अधिक तनाव का जो काल होता है वो होता है किशोरावस्था, आप सभी लोगों को पता ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 168 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना? तो यहाँ पर राइट आंसर है लिखना, यह सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है। कौन? लिखना, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 पर आते हैं, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय या मेरा परिवार? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, मेरा परिवार, क्योंकि बच्चे अपने परिवार के बारे में तो जानेंगे ही और अपने परिवार के बारे में वो कुछ ना कुछ बोल भी पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 170 है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं? तो हमें सीखने के लिए बच्चों के ऊपर क्या ध्यान देना है? बच्चा सीखने स्कूल में आया है, उसकी अधिगम की शैली यानी कि वह किस तरीके से सीख रहा है, उसके अंदर कितनी क्षमता है और उसकी आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं? तो हम त्रुटियों को नहीं पहले देखते हैं, तो इसलिए ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा, बाकी क्या है सब सही है। क्वेश्चन नंबर 171 है, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है? तो डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित समस्या है, पढ़ने से संबंधित, ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका योगात्मक कार्य पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं या गृह कार्य? दोस्तों जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका आकलन हम कैसे करेंगे? पोर्टफोलियो के माध्यम से, यानी कि उनके माता पिता से उनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनके मित्रों से, उनके आस पड़ोस के लोगों से। तो ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है? माध्य, बहुलक, माध्यिका या ओजाइव? तो आपको पता है जो संख्या बार बार आती है यानी कि वह होती है बहुलक, ऑप्शन ब सही हो जाएगा, 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 174 है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, तो ऑप्शन स जो है ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 3 प्रकार की बुद्धि है, कौन कौन सी? पहली है सामाजिक बुद्धि, दूसरी है अमूर्त बुद्धि और तीसरी है मूर्त बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 175 है, बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक हैं या बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? बिने, कोहलर, फ्रॉबेल या कोहलबर्ग? तो बिने साइमन, ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 है, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका? बकिंघम का, फ्रॉबेल का, थर्स्टन का या कोहलर का? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, बकिंघम का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 178 है, पिछड़े बालक वे होते हैं जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। ये सब पिछड़े बालकों के पहचान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 179 है, डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है, मनोसामाजिक कारकों, आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा अथवा ब तथा स दोनों का संयोजन? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ब तथा स दोनों, यानी कि आनुवांशिकता और वातावरण, इसी का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है व्यक्ति के ऊपर, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 180 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
लागू नहीं होता है। तो आपको पता है कि ऐसे बच्चे जो निःशक्त हैं, सभी बच्चे जो भी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उन पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है, सिवाय यहाँ पर आप देखिए 14 से 18 की आयु के बच्चे, आपको पता है केवल 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों पर ये लागू होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सा सही हो जाएगा, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों पर लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 181 है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, कैसे सिखाएंगे? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि होता यही है स्कूलों में। बच्चों को सबसे पहले ग्रामर सिखाई जाती है और उनको मीनिंग याद कराई जाती है, टीचर के माध्यम से ही उनको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, अन्य सामान्य बालकों के साथ। क्वेश्चन नंबर 183 है, विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। क्वेश्चन नंबर 184 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है या विशेषता है, प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या सभी बालकों की। तो यहाँ पर आप देखिए समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह होती है निशानी सृजनशील बालकों की, क्रिएटिव बच्चों की। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि। दृष्टि दोष यानी कि देखने संबंधी दिक्कत, श्रवण दोष यानी कि सुनने संबंधी, मूक बधिर मतलब बोलने और सुनने में दिक्कत। लेकिन यहाँ पर देखिए जो मंद बुद्धि होती है इसका संबंध जन्म से होता है, यानी कि जन्मजात होती है। तो ऑप्शन दा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं, पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी या मानसिक रूप से कमजोर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पिछड़े बालक। क्वेश्चन नंबर 187 है, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है, डेसीमीटर, डेसीबल, डेसीपाइन या डेसीबिंदु। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, डेसीबल। डेसीबल सुनने की क्षमता की जांच हेतु प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 188 है, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है, शारीरिक, मानसिक, रुचि या सभी। तो स्कूली बच्चे जो होते हैं, हर बच्चे की शारीरिक रचना क्या होती है, अलग अलग होती है, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला। मानसिक रूप से भी क्या होती है, उनकी जो मानसिक क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है, और रुचियां भी क्या होती, निश्चित रूप से अलग होती है। किसी बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को मैथ में, किसी को इंग्लिश में। तो ऑप्शन द जो है राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 189 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या कोई नहीं। तो इसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 190 है, एलेक्सिया है, एलेक्सिया या डिसलेक्सिया एक ही है, तो इसको हम पढ़ने की अक्षमता से ही तुलना करते हैं, ये दोनों ही पढ़ने की अक्षमता को ही बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ जो है सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 191 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, जो कि आप लोगों को पहले से ही मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 192, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और इन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, और इसको किसने कहा है, इसको कहा है जेम्स ड्रेवर ने। ऑप्शन बा सही हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बार बार आपकी इसी सीरीज में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 193 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है विचारों में सृजनात्मक, दूसरों के साथ लड़ाई, यहाँ पर छूट गया है, इसको आप ऐड कर सकते हैं, अभिव्यक्ति में अनूठापन या कौतूहल। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरों के साथ लड़ाई करना या प्रतिभाशाली होने का संकेत बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, अब छूट गया ये। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ऑप्शन बा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 194 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, इन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या वे निजी कोचिंग संस्थाओं में पढ़ेंगे या निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा,
इन्हें विद्यार्थियों से अलग नहीं बल्कि इनको अलग पढ़ाना है। अलग पढ़ाने का मतलब ये है कि प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा में कोई भी चीज पढ़ाने पर उन्हें तुरंत आ जाती है, वो सारे बच्चों से पहले होते हैं, तो उन्हें हमें कुछ अलग भी सिखाना है। इसका ये मतलब नहीं कि क्लास से उन्हें अलग कर देना है, उन्हें हमें कुछ नया हमेशा सिखाते रहना समृद्धिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से, या कुछ ना कुछ अलग उन्हें प्रोजेक्ट देना है ताकि बच्चे बिजी रहें और कुछ ना कुछ नया सीखें। तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षक में अभिवृद्धि परिवर्तन पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है समन्वित शिक्षा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, या ऑटिज्म। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, डिसलेक्सिया। ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 है, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, या चिकित्सा मंदता। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आ, जैविक मंदता। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सारे के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन को हमने खत्म कर दिया। अदलगुत्री पहले ही पढ़ा चुके हैं, सारे के सारे विषयों के पवन सृजन सीरीज के क्वेश्चन हम आपको एग्जाम से काफी पहले ही खत्म करवा देंगे। आप सारे के सारे विषयों को पढ़ सकते हैं, हर एक विषय की मास्टर क्लास आपको फर्स्ट सेमेस्टर की मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी उसकी, आप सारे के सारे विषयों को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। यहां ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताते रहिए, आपके लिए ऐसे वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर से बेहतर कराते रहेंगे। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मैसेज आए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। वीडियो को प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है। अपने कॉलेज के प्रिय मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी विषय की वीडियो नहीं मिल रही है आप कमेंट करिएगा, आपको हम उसकी वीडियोज भी जरूर देंगे। तो चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोज को ऐसे ही देखते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको अधिक से अधिक अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे और चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। जय दोस्तों।